आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना काफी महत्वपूर्ण है। कोरोना वैक्सीन के उपयोग से कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता से वैक्सीन लगवाने का आह्वान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के आह्वान को अमल मिलाते हुए इंदौर में जेल रोड व्यापारी संघ द्वारा शनिवार को बाजार में वृहद वैक्सीनेशन का आयोजन किया गया। जेल रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाजार में ही शिविर लगाने का निर्णय किया गया था। आज निशुल्क वैक्सीनेशन शिविर में बड़ी संख्या में व्यापारियों के साथ आमजनों ने भी वैक्सीन लगवा कर जागरूकता का परिचय दिया। श्री शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि निशुल्क वैक्सीनेशन के लिए लोगों से आधार कार्ड एवं अन्य परिचय पत्र लाने का निवेदन किया गया था। शिविर की सफलता को देखते हुए इसे आगे और भी दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। टीकाकरण का जो शुभारंभ यहाँ पर किया गया है, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य को दिमाग में रखते हो आज शीतला सप्तमी के अवसर पर यह शिविर लगाया गया? जैसा कि शहर में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए हम देख रहे हैं दिन पे दिन लोग कोरोना ग्रसित होते जा रहे हैं, उसी तरह से हमने माननीय कलेक्टर जी की निवेदन करा था कि हम जेल रोड पर भी जेल रोड व्यापारी संघ के माध्यम से एक कोरोना वैक्सीन का शिविर लगा। उसी तरह से हमने कलेक्टर साहब ने हमें परमिशन दी और उनके सहयोग से आज हमने शिविर स्थापित करा। इसमें किस तरह से कौन लोगों को मतलब टीका लगाया जा रहा है? इसमें 45 प्लस के जो भी लोग आ रहे हैं, स्थानीय निवासी है, स्थानीय व्यापारी हो, उन लोगों का हम पहुँचे। इसमें व्यापारी के साथ आम जनता को भी इन्वॉल्व किया गया? सबको स्थानीय निवासी, आम जनता, भले वो यहाँ की नहीं है लेकिन उन्होंने अगर कोविड वैक्सीन नहीं लगाया तो उनको भी हम यहाँ पे टीका लगाएंगे। इसके लिए क्या उनके पास क्या कागज मांगे जा रहे हैं? कागज के रूप में हम यहाँ पे उनको मांग रहे हैं, आधार कार्ड की कॉपी मांग रहे हैं या अपने निर्वाचन पत्र की कॉपी मांग रहे हैं, जो भी आएगी उनके पास। ये शिविर कब तक? हमको लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल रहा है तो जरूर नहीं हम ये परसों से फिर चालू कर सकते हैं, दो तीन चार रोज बढ़ा सकते हैं। कोरोना गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जा रहा है शिविर में? शिविर में कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, सब मुंह पे मास्क लगा के हम जनरल रोपाई संघ की तरफ से लोगों को मास्क का भी वितरण किया जा रहा है। फ्री में जो वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उनको हमारी तरफ से मास्क भी दिया जा रहा है।